हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि गाड़ी कैसे चलाया जाता है। तो गाड़ी चलाने के लिए पहले हमें कुछ सीखना होगा कि गाड़ी में क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है। तो आज आप मेरे को मैं बताने चाहिए। पहले तो आप ये जान लें कि क्लच, ब्रेक, एक्सीलेटर, ये होता क्या है। क्लच होता है, यहाँ आप देखें, यहाँ देखिए, ये क्लच है, ये ब्रेक है, ये एक्सीलेटर है। क्लच का काम होता है, इधर देखा, क्लच का काम होता है कि आपको क्लच पकड़ने से आपका गाड़ी बंद नहीं होगा, उसे पकड़े रहने होगा। और एक्सीलेट ब्रेक का काम है, वो आपको ब्रेक मतलब कि गाड़ी को रोकने का काम। और एक्सीलेटर क्या, आपको कितना स्पीड चलना है और कितना हल्का चलना है। जैसे जैसे आप उसको दाबेंगे उसी से स्पीड चलेगा, और जैसे जैसे हल्का हल्का छोड़ेंगे वैसे वो स्पीड कम होगा। तो पहले आप जान लें कि ये गियर इसमें होता है। ये इसमें देखिए, यहाँ पर देखिए, ये स्कॉर्पियो है, ये 5 गियर है इसमें। और यहाँ देखिए आर बना हुआ है, ये रिवर्स है। पहला गियर, दूसरा गियर, तीसरा गियर, ये चौथा गियर, ये पांचवा गियर, और ये रिवर्स मतलब बैक। इसको सबसे आप इधर ले आएंगे तो ये बैक हो जाएगा। तो हमको स्टार्ट करने के बाद पहले गियर पे चलाना है। तो पहले गियर पे करके हमें इस तरह उठा के इधर डालना है, तो ये फर्स्ट गियर हो गया। और हमें उसके बाद क्लच स्टार्ट करना है, उसके बाद क्लच पकड़ना है। क्लच पकड़ कर एक गियर में डालना है, और डालने के बाद हमें हल्का हल्का क्लच छोड़ना है, और हल्का हल्का छोड़ना है। और उसके बाद एक्सीलेटर पे हल्का पैर रखना है, अपने आप गाड़ी स्पीड होगा, चलेगा। इससे कि आप पे ज़रूरी नहीं है कि आप एक्सीलेटर ले तो भी गाड़ी चलेगा, ये ऑटोमेटिक 6 गियर पे, 6 के स्पीड में ये चलेगा फर्स्ट गियर पे। और आप इसको पकड़ कर, क्लच पकड़ कर सेकेंड गियर पे डालते हैं तो ये दूसरा गियर नंबर पे चले जाएगा। और उसके बाद आपको हल्का हल्का करके क्लच छोड़ना है। इस तरह हम गाड़ी चला सकते हैं और सीख सकते हैं हल्का।